नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैन। बिहार के उप मुख्यमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता सुशील कुमार मोदी का सोमवार को दिल्ली के एम्स में कैंसर से निधन हो गया। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सोशल मीडिया पर सुशील मोदी के निधन की जानकारी साझा की। बिहार भाजपा के दिग्गज नेताओं में शुमार मोदी ने पार्टी को राज्य की सत्ता तक पहुँचाने के लिए अथक परिश्रम किया। जदयू प्रमुख और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ उनके घनिष्ठ संबंध रहे और उनके साथ उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री के रूप में उन्होंने लंबे समय तक काम किया। बिहार के वित्त मंत्री के रूप में सुशील मोदी ने जीएसटी काउंसिल में राज्यों की अधिकार प्राप्ति समिति के प्रमुख की भूमिका भी प्रभावी रूप से निभाई। बिहार की राजनीति में सुशील मोदी, लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार की तिगड़ी हमेशा महत्वपूर्ण रही। तीनों आपातकाल के दौरान जेपी आंदोलन की उपस्थे। सुशील मोदी के राजनीतिक कैरियर की शुरुआत 1973 में पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ के महासचिव बनने के साथ हुई। खास बात यह है कि उनके अध्यक्ष तब लालू प्रसाद यादव ही थे। सुशील मोदी उन नेताओं में थे जिन्होंने चारा घोटाले में लालू प्रसाद यादव की भूमिका को उजागर किया था। इस मामले में उन्होंने ही पटना हाईकोर्ट में लालू प्रसाद यादव के खिलाफ जनहित याचिका दायर की थी। सक्रिय राजनीति में उनकी शुरुआत 1990 में पटना सेंट्रल सीट पर जीत से हुई। इसके बाद इस सीट को अब कुम्हरार कहा जाता है। 1995, 2000 में वह फिर जीते। 2004 में वह भागलपुर सीट से सांसद चुने गए। 2005 में बिहार में नीतीश कुमार के जदयू और भाजपा की गठजोड़ सरकार बनने पर मोदी पहली बार उप मुख्यमंत्री बने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा और पार्टी के कई अन्य नेताओं ने सुशील मोदी के निधन पर शोक व्यक्त किया। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर लिखा, पार्टी में अपने मूल्यवान सहयोगी और दशकों से मेरे मित्र रहे सुशील मोदी के निधन से अत्यंत दुख हुआ है। बिहार में भाजपा के उत्थान और उसकी सफलताओं के पीछे उनका अमूल्य योगदान रहा है। वहीं शाह ने कहा, बिहार ने राजनीति का एक स्तंभ खो दिया है। उनके निधन से खाली जगह को लंबे समय तक नहीं भरा जा सकेगा। राजनाथ ने कहा, सुशील मोदी का लंबा राजनीतिक जीवन जनसेवा और गरीबों के कल्याण को समर्पित था। नड्डा ने सुशील मोदी से अपने संबंधों को याद किया और कहा कि उनका पूरा जीवन बिहार को समर्पित रहा है। देश और दुनिया की तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए एसपीएन 9 न्यूज। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।